हिंदुस्तान में पैदा होने का और रहने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि यहाँ पर एक से एक शायर और कवि हुए हैं और उनका मज़ा सिर्फ हम लोग ले सकते हैं। और हिंदुस्तान में पैदा होने का दूसरा फायदा ये है कि यहाँ पर हजारों हजारों तरीके के खाने मिलते हैं। मैं मानता हूँ कि स्कॉटलैंड में अनेक तरीके की स्कॉच मिलती होगी, लेकिन वो सारी स्कॉच हम यहाँ मंगवा लेते हैं, लेकिन हमारी शायरी ये लोग समझ नहीं सकते और हमारा भोजन वहाँ अवेलेबल हो नहीं सकता। सो ये एक एडवांटेज है। और मैं खासकर चाहता हूँ कि आजकल के यंगस्टर्स हमारे महान शायरों और कवियों की शायरियाँ और कविताएँ समझें, उनकी गहराई समझें, उनका आनंद उठाएं, जिंदगी का मज़ा आ जाता है। और इसीलिए मैं मिजाज आशिकाना नाम से एक सीरीज प्रारंभ कर रहा हूँ ताकि हम बड़ी ही खूबसूरत शायरी और कविताओं का लुत्फ़ उठा सकें और उनके गहरे अर्थ समझ सकें। उम्मीद है आपको ये सीरीज पसंद आएगी। थैंक यू वेरी मच। पढ़िए मैं गीता हूँ, भगवद गीता की साइकोलॉजी पर संपूर्ण 700 श्लोकों की एक अभूतपूर्व व्याख्या। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी और गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है।